हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि झारखंड में अगर आप अभी राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो कितने दिनों में राशन कार्ड बनकर तैयार होगा आपका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड में अगर आप अभी राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रीन कार्ड में राशन कार्ड बनेगा। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए सरकार अभी ग्रीन कार्ड ही बना रही है, पीएच कार्ड अभी नहीं बना रही है। आपका ग्रीन कार्ड को ही पीएच कार्ड में बाद में ट्रांसफ़र करेगी सरकार, लेकिन अभी ग्रीन कार्ड ही बनेगा। और इसमें 1 से 1.5 साल का समय ज़रूर लगेगा दोस्तों, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पहले ये ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, एक एक डिस्ट्रिक्ट में 9 ब्लॉक, किसी में 10 ब्लॉक, किसी में 16 ब्लॉक आते हैं। जैसे गमरिया गोड्डा ले लीजिए, इसमें 9 9 ब्लॉक आते हैं, और हज़ारबाग में 16 ब्लॉक आते हैं। तो एक एक ब्लॉक में ना 12 से 13 हज़ार एप्लीकेशन फॉर्म जमा है, जिन्होंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है। और एक एक ब्लॉक से सब जाके डीएसओ के पास जाता है, तो डीएसओ के पास 1 से 1.5 लाख का फॉर्म ऐसे ही उनके पास रहता है अप्रूव करने के लिए। जब तक डीएसओ का अप्रूवल नहीं होगा आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो उनके पास सोचिए 1 से 1.5 लाख का फॉर्म रहता है, तो अप्रूव करने में कितना समय लगेगा। इतना समय तो जरूरी जरूर लगेगा उनको। तो इसलिए दोस्तों, राशन कार्ड के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है। तो यही है वीडियो में दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।